हाँ जी क्या हुआ? हाँ जी श्रीमत और विवेक में क्या अंतर? श्रीमत और विवेक में विवेक विवेक बुद्धि की बात है। जो विवेकी है वो बुद्धि चलाएगा, और जिसमें बुद्धि नहीं है वो भी श्रीमत पर चल सकता है या नहीं चल सकता है? है? चल सकता है। विवेकी बहुत है, और श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। श्रीमत एक भगवान से आती है, उस श्रीमत के अनुसार बहुतों का बेहद का विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत हुआ, विवेकी बना, तो विचार सागर मंथन ज्यादा चलेगा। जो बुद्धू है उसका विचार सागर मंथन चलेगा नहीं चलेगा? तो श्रीमत पर चलना ज्यादा अच्छा है, श्रीमत को ग्रहण करना अच्छा है, यह सिर्फ विवेकी बनना अच्छा है? श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के विवेकी बनेंगे। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे पिछले जन्म का सत्तर याद रहता है, कितने बनाया था? हर बच्चे को याद नहीं रहता है अपने पूर्व जन्म का। कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको कुछ समय तक, जब तक उनकी सात्विक स्टेज है जो बाबा कहते हैं बच्चे महात्मा होते हैं, तो उन्हें याद रहता है। बाकी भिखारी होने के बाद बुद्धि विकृत हो जाती है तो कोई को याद नहीं रहता। पूर्वजन्म की बातें भूल जाती है। बाबा सुप्रीम सोल अटैचमेंट से दूर रहते हैं। हाँ, हाँ
और जो रामकृष्ण वाले आते वो इनके अटेंशन में रहते हैं ना? सदा थोड़े ही रह सकती है, क्योंकि उनमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो जिनमें नहीं करता है उनके मुकाबले ज्यादा अटैचमेंट में आएंगी या कम अटैचमेंट में आएगी? है कम आएगी। फिर दोनों के बीच में अंतर भी है, क्योंकि बाप और दादा कहा जाता है, राम और कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण राम कहते हैं या राम कृष्ण कहते हैं? राम का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। बाप का नाम पहले, दादा का नाम बाद में। वो बाप है, वो बड़ा बच्चा है, तो बाप और बच्चे में जितना अंतर होता है वही अंतर यहां भी है। बाप बाप है, बच्चा बुद्धि, बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है तो ज्यादा अटैचमेंट होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। फिर बाबा संकट जो शिशुमान बनता है उस समय फिर बिल्कुल अटैचमेंट नहीं जाता। अगर सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की प्रत्येक आत्मा अटैचमेंट में आती है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, तो कोई एक आत्मा ऐसी भी तो होनी चाहिए जो संगम युग में डिटैच हो जाए, बाप समान बन जाए। होनी चाहिए या नहीं? बाप का विरुद्ध है, आप समान बनाता हूं। टीचर का भी लक्ष्य रहता है बच्चे मेरे समान नॉलेज को धारण कर लें, लेकिन क्या सभी करते हैं? एक समान धारण करते हैं कि नंबर वार रहते हैं? ऐसे ही बच्चों में बाप ने तो लक्ष्य दे दिया, नष्टो हुआ स्मृति लब्धा, फिर परसेंटेज में नंबर आवे तो 100% भी बनेगा, कोई कम भी बनेगा। अगर एक आत्मा भी डिटैच नहीं होती 100%, तो 100% सतोप्रधान सृष्टि का निर्माण होगा, हो जाएगा नहीं? क्योंकि सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया साकार के द्वारा होगी या निराकार के द्वारा होगी? साकार के द्वारा होगी। तो एक आत्मा तो जरूर 100% डिटैच होनी चाहिए, तभी नई सृष्टि की शुरुआत होगी। उस टाइम को कहते हैं पूर्णमासी। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा के ही पीछे चंद्र लगाया जाता है,
राम की आत्मा के पीछे भी क्या लगाते हैं, रामचंद्र। वो भी सूर्य नहीं है, सूर्य तो एक ही शिव है, ज्ञान सूर्य। सोलह सेक्टर में क्या क्लास करती थी ना माताएं, क्लास करती थी ताला लग गया। हाँ तो वो सेंटर है का जो मकान है वो किसके नाम है? मालूम नहीं, समझ नहीं आया क्या हुआ। मालूम नहीं, समझ नहीं आया। सेंटर का मकान जिसके नाम है वो जब तक बाबा को अर्पण न करे तो बाबा जिम्मेदार है। वही तो पता नहीं है, जो पता नहीं है तो जहाँ पता है वहाँ जाओ। आपके पास आपने कह तो दिया बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है उस स्थान का, नहीं समझ में आया है? बाबा के हाथ में वो स्थान नहीं है। और कई बार अभी के नया कुछ करके दिखाओ, नया कुछ करके दिखाओ। हाँ, क्या नया करना? कुछ ऐसा नया करके दिखाओ जो बाप जल्दी से प्रत्यक्ष हो जाए दुनिया के सामने। बाप तो रोज नई नई बातें सुनाते रहते हैं, किस लिए सुनाते रहते हैं? कि बच्चे जल्दी से जल्दी नई दुनिया बनाए। अरे बच्चा एक सितारा है और हर एक सितारे में दुनिया समाई हुई है, तो बाबा तो हर बच्चे को कहते हैं कि नई दुनिया तैयार करें। कोई तो करेगा, बाबा की बताई हुई जितनी भी नई बातें हैं वो सारी बातें धारण करने वाला नई दुनिया बनाएगा या धारण न करने वाला नई दुनिया बना लेगा? हैं? धारण करेगा तो नई दुनिया बनाने के निमित्त बने, निमित्त तब बनेगा जब पहले संकल्पों में नयापन आए। संकल्प का बीज बोया जा रहा है। ब्रह्मा ने भी संकल्प के आधार पर सृष्टि रची, ऐसे शास्त्रों में गायन है। तो ब्राह्मण बच्चे किसको फॉलो करेंगे? हैं? ब्रह्मा को ही फॉलो करेंगे। बाप दादा ने और भी क्लियर कर दिया है, फारू ब्रह्मा बाप, ऐसे नहीं अकेली अम्मा को फारू करना है, बाप भी तो है ना। जैसे ब्रह्मा का गायन है वैसे प्रजापिता ब्रह्मा का भी गायन है। बाप नई सृष्टि बना सकता है, तो क्या बच्चे नहीं बना सकते अपने नई सृष्टि? 84 जन्मों में जो भी ढेर की ढेर आत्माएं संसर्ग संपर्क संबंध में आई है वो हमारी दुनिया हो गई।
वो आत्माएं अभी तमो प्रधान बनी पड़ी हैं, तामसी दुनिया में अपने को महसूस कर रही हैं, ये नई दुनिया में महसूस कर रही है, तामसी दुनिया में महसूस कर रही है। अब हरेक आत्मा एक सितारा है, तो जैसे अपनी अपनी दुनिया का बाप है, नया मकान बच्चे बनाते हैं या बाप बनाता है? बाप का काम है नया मकान तैयार करे। तो नए संकल्प होंगे, नई विचारधारा जागेगी, तो दृष्टि भी नई नई हो जाएगी, कर्मेंद्रियां भी नया नया काम करेंगी, शक्ति भी नई हो जाएगी। संगठन भी नया देखने में आएगा। बाबा ये सृष्टि 5000 साल है, जैसे 2036 में समाप्त होगा, उस पर क्या डेट शुरू होगा? क्या डेट शुरू होगा उस टाइम? क्या डेट शुरू होगा? 2036 जब खत्म होगा उसके बाद क्या शुरू होगा? बता तो दिया संबंध एक एक ना? नया संगठन तैयार होगा, नई दुनिया तैयार होगी, तो डेट भी नहीं होगी। अब 18 हो कि 17 हो या 16 भी हो सकता है। बहुत आगे क्यों हो गया? जैसे 76 में बोला था अव्यक्तवाणी में कि ऐसे नहीं समझना, 76 के लिए बोला था ना कि 3 वर्ष हो जाएंगे, कम होंगे लेकिन जास्ती नहीं होगा। और बेहद की 4 धाम कौन से हैं? बेहद की 4 धाम जैसे मुस्लिम में आता है तो बेसिक में तो बता देते हैं बाबा का कपड़ा, बाबा की बेहद का शाहजहां चार धाम बेहद के 4 धाम कौन से हैं? अच्छा, बेहद के 4 शंकराचार्य हैं? है? 4 धामों में 4 मठों में कंट्रोल करने वाले बेहद के 4 शंकराचार्य हैं या नहीं है? भक्ति मार्ग में ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी 4 बीज रूप आत्माएं हैं, वो चारों ही जैसे शंकराचार्य हैं। धाम माने ठिकाना, देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं का भी ठिकाना है। इस्लामी और मुस्लिम का भी ठिकाना है। बौद्धियों का भी अपना ठिकाना है और क्रिश्चियंस का भी ठिकाना है, जहां से उनके फॉलोअर्स का उद्धार होता है, उसको कहते हैं तीर्थ। तीर माने किनारा, था माने स्थान। बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। तो जो उनके उनके फॉलोअर्स हैं
उनकी बुद्धि को ठिकाना मिलता है। इसलिए बाबा ने बोला जो जिस धर्म का है वो उसी को फॉलो करेगा, ऐसे नहीं कि बौद्ध धर्म का फॉलोअर बौद्ध मुसलमान को फॉलो करेगा, ये बात दूसरी है कि बौद्ध धर्म बाद में आता है, बाद में पैदा होने वाला बच्चा पावरफुल होता है या पहले पैदा होने वाला बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो बौद्ध बाद में कमजोर पड़ जाए। अपनी ही गलती के कारण जब प्योरिटी की पावर कम हो जाती है तो मुसलमानों क्रिश्चियंस के अधीन हो जाते हैं, उनकी राजाई चट हो जाती है और उनकी राजाई में चलना पड़ता है, औरों से भीख मांगनी पड़ती है। तो भक्ति मार्ग में जो चार धाम हैं वो चारों मुख्य धर्मों के जो मुखिया हैं उन मुखिया के बनाए हुए स्थान हैं जो तीर्थ यात्राओं के रूप में पूजे जाते हैं। और शांतिधाम का गेट एक अच्छा खुल रहा है ना? हाँ जी। तो ये जो स्कूल शांतिधाम का बनेगा माउंट आबू में? हाँ जी, दिल्ली में होगा। हैं? दिल्ली में शुद्धाम होगा। हाँ जी। तो ये दोनों शांतिधाम शुद्धाम के गेट एक अच्छा खुलेगा, जो 5 मई 2025 है वो तो पूरी हो जाएगी उनकी पूछा। पूरी क्या हो जाएगी? मतलब पूरी हो जाएगी। क्या पूरी हो जाएगी? पूरी पवित्र हो जाएगा। अष्टदेव पूरे पवित्र हो जाएंगे तो उनको क्या वहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? अरे शांतिधाम सुखधाम में जाएंगे नहीं, नंबर वन। वो तो थोड़ी टाइम के लिए जाके आ जाएंगे ना। थोड़े टाइम जाने के लिए आ जाएंगे, उनका बुद्ध योग लगातार वहाँ नहीं रहेगा। ये आत्मा की बात है, बुद्धियों की बात है, मन बुद्धि की बात है या शरीर की बात है? मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया फिर भटकने की क्या दरकार? हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, तो न्यारे तीर्थ कौन से हैं? सुखधाम, शांतिधाम। शांतिधाम में कौन रहेगा? शांतिधाम में कौन रहेगा? सुखधाम में जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे जन्म जन्मांतर, पवित्रता को ज्यादा फॉलो किया होगा, अपने जीवन को ज्यादा पवित्र बना के दिखाया होगा, वो सुखधाम में जावेंगे। और जिन्होंने अपवित्र बनाया होगा रुद्रमा लगे मड़के मन के रहे तो शांतिधाम में शांति से बैठो। हाँ पूजा में ऐसा होगा ना, जो वहाँ नहीं जाएगी। कहाँ नहीं जाएगी? माउंट आबू नहीं जा। बिना शांति धाम जाए कोई सुख धाम जा सकता है क्या? थोड़ी टाइम के लिए। वो बात दूसरी है, ये प्योरिटी की बात है। जन्म जन्मांतर जिन्होंने प्योरिटी धारण की है उनको शांति धाम में ज्यादा टिकने की दरकार नहीं है। जैसे देवताएं जल्दी उतरते हैं और असुर है? हाँ वो शांति धाम में पड़े रहेंगे। तो ऐसे ही
अंत में आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। क्या कहा है? शांति धाम में रहने वाले क्या हो गए? जो लंबे समय तक शांति धाम में पड़े रहे तो कहेंगे पापात्मा। और लंबे समय तक सुखधाम में रहे तो कहेंगे पुण्यात्मा। है तो नंबर बात। और बाबा है जो लंगूर होते हैं उनसे बंदर क्यों डरते हैं? ओहो लंगूरों में मुंह में और बंदरों में मुंह में कुछ फर्क नजर आता है? क्या फर्क नजर आता है? लंगूर का मुंह काला होता है और बंदरों का मुंह लाल होता है। वो क्रोध की निशानी और वो काम विकार की निशानी। काला मुंह कर लिया तो अब बताओ बेहद में आ जाओ। बेहद के ड्रामा में कौन सा धर्म है जो लंगूर मुआफिक है? जिनकी विकारों की पूंछ बहुत लंबी है इस्लाम धर्म। पहले आता है या बाद में आता है? बीच में आता है। तो ज्यादा पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? ज्यादा पावरफुल से कमजोर डरेगा या नहीं डरेगा? तो पता लग गया कि बंदर लंगूर से क्यों डरते। जहां जहां बंदरों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो लंगूर को बुलाते हैं। लंगूर को देखते ही लाल मुंह वाले भाग जाते हैं। सबसे ज्यादा भिखारी बंदर ही होते हैं, लेकिन उनको नाम क्या है फिर भी स्त्री क्यों लगा रखा है? अंदर ही भिखार कहते हैं ना, सबसे ज्यादा भिखारी होते हैं। लेकिन फिर भी उसके नाम क्या है स्त्री क्यों लगा रखा है? क्या लगाते हैं? श्री हनुमान जी। सभी बंदरों के साथ नाम के आगे लगाते हैं स्त्री। हनुमान के नाम के आगे स्त्री लगाते हैं क्या? सबके नाम के आगे स्त्री थोड़े लग सकता है। जय श्री हनुमान। कुछ श्रेष्ठ काम किया होगा तो स्त्री लगाते हैं। और संगमयुगी लक्ष्मी नारायण 2018 अध्यक्ष हो जाएंगे ना? हाँ जी। तो पढ़ाई उसके बाद भी चलती रहेगी? जो संपन्न हो जाएंगे उनकी पढ़ाई चलेगी या जो असंपन्न रहेंगे उनकी पढ़ाई चलेगी? है जो संपन्न हो जाएंगे उनकी पढ़ाई की क्या बात रह गई? फिर बाबा तब शिव बाप फिर रहेंगे हमें, तब नारायण बन जाएंगे तो फिर बात तो चला जाएगा। शिव बाप रहेंगे कि नहीं रहेंगे तुम्हें पता कैसे चलेगा? देखने में आएगा क्या? नहीं। फिर बाप ने आप समान सैंपल बना के रख दिया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि गया कि ना गया, कब गया कब नहीं गया, गया गया कि नहीं गया। बाबा विजय माला का आह्वान कैसे करना? कोई का आह्वान करते हैं जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा आते हैं तो घंटे दो घंटे पहले जम के बैठ जाते हैं कि नहीं? आह्वान करते हैं ना,
रग लग जाती है, लगन लग जाती है। तो वाइब्रेशन के आधार पर खींचे चले आते। सिर्फ ब्रह्मा बाबा की भी बात नहीं है, और भी जो भूत प्रेत आत्माएं हैं उनका भी आवाहन किया जाता है। औलिया लोगों से जाके पूछ लेना, उनका भी आवाहन होता है। मन के वाइब्रेशन के आधार पर खींचने को ही आवाहन कहते हैं। बाबा एक बीके की आत्मा है, वो जो कहती है 7 साल की उम्र में तो देवी की प्रवेशता होगी। क्या? देवी की प्रवेशता होगी थी मेरे अंदर 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में देवी की प्रवेशता हो गई थी? हाँ बाबा, कहती है। अच्छा, अभी भी कहती है वो देवी। तो आपको पता ही नहीं चला कि देवी देवता कहाँ होते हैं? मतलब अच्छा करती है बाबा वो सब के लिए। अच्छे आदमी बुरे आदमी तो दुनिया में होते ही हैं। एडवांस का ज्ञान बताया ना बाबा उसको, तो फिर एडवांस में क्यों नहीं लाती वो अच्छी आत्मा? एडवांस में सब अच्छे ही अच्छे हैं क्या? गारंटी है? एक अव्यक्त वाणी में बोला है दिल्ली वालों के लिए कि जल्दी जल्दी कदम को आगे करना, क्यों अचानक क्या भी हो सकता है। हाँ, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, क्यों? तुमने अफवाहें नहीं सुनी है माया सभ्यता की? अरे चारों तरफ अफवाहें कहीं उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? क्या उड़ रही है? 2012 कुछ नया होगा कि नहीं होगा? 2001 में भुज में भूकंप आया, कच्छ भुज में, तब भी बोला था, खास दिल्ली वालों के लिए बोला था। क्या दिल्ली वाले तो मुख्य हैं, दुनिया में एक ही राजधानी है दिल्ली, जिस पर सब धर्म वालों की नजर रहती है, सब धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किए है। उनमें विदेशी और विधर्मी धर्म वाले भी हैं और स्वदेशी भी हैं। स्वधर्मी भी हैं, ज्यादा माया के प्रभाव में कौन आते हैं? स्वदेशी स्वधर्मी ज्यादा माया के प्रभाव में आते हैं या विदेशी विधर्मी ज्यादा माया के प्रभाव में आते हैं? है? स्वदेशी विदेशी, विदेशी स्वदेशी भी अगर प्रभाव में आते हैं तो संघ में, संघ के रंग में आने के कारण आते हैं। इसलिए जब सारी दुनिया के वाइब्रेशन दिल्ली पर पड़ रहे हैं तो दिल्ली प्रभावित होगी या नहीं होगी? उन्होंने तो हस्तिनापुर एक नगरी बनाई थी अलग, भक्ति मार्ग वालों ने क्या नाम रख दिया? हस्ति माने हाथी, हाथियों का पुर।
कौन सा जानवर होता है जो बहुत देह अभिमानी होता है? मार देह अभिमानी के हर समय डोलता ही रहेगा। बड़े बड़े महारथी भी यही हैं, हर धर्म के बड़े बड़े महारथी इधर हैं, और हर धर्म का आपदा है। तो यहां वाइब्रेशन असर करेंगे या नहीं करेंगे? कब करेंगे? हस्तिनापुर में जो रहने वाले थे, जिनका खास वर्चस्व था हस्तिनापुर में, शास्त्रों में उनका किस नाम से गायन है? पांडव ना, पांडव तो पांच ही थे, कौरवों का गायन है। ये कौरवों के वाइब्रेशन अलर्ट रहते हैं कि कब पांडवों का 13 वर्ष का वनवास पूरा हो और फिर हम आक्रमण करें। ये नहीं जानते हैं उस आक्रमण में हमारा भी नुकसान होगा। पांडवों के पीछे तो पांडव पति है, उनका बाल बांका नहीं होने वाला है। उनको तो पहले ही पढ़ाई पढ़ा दी, आज क्या पढ़ाई खास पढ़ाई गई एडवांस में, अव्यक्तवाणी में है सब कुछ तेरा कुछ नहीं, तो पांडवों का क्या बिगड़ेगा? जिनको मेरा मेरा की रट लगी पड़ी है, राज्य मेरा, संबंधी मेरा, संपर्की मेरा, ये मेरे मेरे वालों को नुकसान होगा। जिन्होंने सब कुछ तेरा कर दिया, उनका बाल भी बाका होने वाला नहीं है। और जो विदर्भी हैं, वो वाइब्रेशन उल्टे चला करके, संकल्प उल्टे चला करके ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? पुरुषों को ज्यादा नुकसान होता है, कुमारों को ज्यादा नुकसान होता है, कुमारियों को ज्यादा नुकसान होता है, अगर कुमारों को होता है, या माताओं को ज्यादा नुकसान होता है? वाइब्रेशन से, गंदे वाइब्रेशन से ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? माताओं के ऊपर पड़ता है। और माताओं में भी मुख्य माता कौन है? ऐसे ही बहुत दुखी है, और जो उल्टे संकल्प उल्टे वाइब्रेशन चलाने वाले हैं उनका भी दबाव पड़ता है। दबाव ही नहीं पड़ता है, बेइज्जत भी करते हैं।
उन माताओं की मुखिया का नाम शास्त्रों में क्या दिया है? गांधारी। जो ज्यादा दुखी होती है, जिनकी ज्यादा भर्सना होती है, ज्यादा अपमान होता है, माताओं की प्रतिनिधि कौन बताइए? द्रौपदी। तुम सब क्या हो? द्रौपदियां हो। द्रौपदी और कुंती रहने वाली कहां की थी? हैं? कहां की थी? हस्तिनापुर। अभी तो देश निकाला मिला हुआ है, गुप्तवास है। आखिरी प्रत्यक्ष भी तो होंगे ना। तो वाइब्रेशन का, संकल्पों का हमला होगा या नहीं होगा? होगा। सहन करना पड़ेगा। लेकिन एक खास बात है, हिम्मत बच्चे तो मदद ही बात। ये दिल्ली को खास बोला है, जैसा भुज कच्छ में हुआ गुजरात में, वो तो स्थूल भूकंप था। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा भूकंप आता है? हैं? बेहद का भूकंप आता है। भूकंप में ज्यादा प्रभावित भू होती है या सितारे होते हैं? हैं? माताएं ही ज्यादा प्रभावित होती है। और देवी देवताओं के स्वप्न किनको आते हैं और हम किसी विधि से वो स्वप्न ला सकते हैं और दुनियावी स्वप्नों को कैसे रोका जा सकता है? भाग के संकल्पों में रमण करना और साक्षात्कार करना, ये अच्छी बात है। यह ध्यान दीदार साक्षात्कार से परे और स्वप्नों संकल्पों से परे हो जाएं, बीज रूप स्टेज में टिक जाएं, वो अच्छी बात है। बीज रूप स्टेज में जितना टिकेंगे उतना मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा और ज्ञान युक्त चलेगा, स्वतः ही नई दुनिया के संकल्प चलेंगे। स्वप्न की स्टेज से परे जाना है या स्वप्न और साक्षात्कार की आशा करना है? परे जाना है। उसका तरीका है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर करना। मैं स्टार हूं, कर्म करते ये प्रैक्टिस पक्के होने लगे। तो बुरे संकल्प तो क्या, बुरे स्वप्न तो क्या,
अच्छे स्वप्न भी आना बंद हो जाएंगे। देवताओं की दुनिया में रहना ज्यादा अच्छा है या स्वर्णिम संगम युग में रहना ज्यादा अच्छा है? बहुत ऊंची स्टेज है। कई बच्चे समझते हैं कि अगर किसी प्रकार की श्रीमत बाबा से ले ली और उसे फॉलो नहीं कर सके तो और ही ज्यादा बोझा चढ़ेगा, इसलिए जो काम करना होता है पहले ही कर लेते हैं और फिर बाबा को बता देते हैं, बाबा हमने मकान बना लिया। तो क्या ऐसा करना सही है, सही बात है या गलत बात है? फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। पहले श्रीमत लेना चाहिए और श्रीमत लेने से पहले अपने को दृढ़ करना चाहिए कि हमें जो बाबा डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन पर चलना ही चलना है। बाबा ब्रह्मा की पूजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ब्रह्मा भगवान नहीं है, पर बाबा हनुमान राम जगदम्बा देवियां आदि भी तो भगवान नहीं है, इनकी पूजा क्यों होती है? अब पूजा का आधार प्योरिटी है, या कोई और चीज है? जिसने जितनी जास्ती प्योरिटी धारण की वो उतना ही पूज्य बनता है, उतनी ही जास्ती पूजा होती है। ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन सन्यासी का जीवन है, गृहस्थी जीवन है। सन्यासी पवित्रता की परिभाषा को सही रूप से जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। दूरबाज खुशबाज को पवित्र नहीं कहा जाता, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है क्योंकि पवित्रता के मूल रहस्य कोई नहीं जाना। ब्रह्मा कुमारियों को भी पता नहीं है कि असली पवित्रता क्या है। पवित्रता के रहस्य को जान करके जिन्होंने पवित्रता को फॉलो किया, पुरुषार्थ किया, और जितना जास्ती पुरुषार्थ किया उनका वो पुरुषार्थ ही पूजा जाता है। ब्रह्मा की सोल ही शरीर छोड़ने के बाद राम के जीवन में सहयोगी बनती है। और विकारों की लंका को जलाती है, इसलिए वही ब्रह्मा हनुमान के रूप में पूजा जाता है, वही ब्रह्मा जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है।
जब जगदम्बा में प्रवेश करके वो पाठ बजाता है। किनारे जाता है और शरीर छोड़ देता है तो जानवर भी ऐसे करेंगे। जब मनुष्य श्रेष्ठ बनता है तो जानवर और पशु पक्षी भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। मनुष्य जब भ्रष्टाचारी बनता है तो जानवर भी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। मिसाल के बतौर सिर्फ एक मोर ही रखा गया है जो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। भक्ति मार्ग में उस मोर का पंख कृष्ण के मस्तक पर लगाते हैं, वो जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाला है। सतयुगी कृष्ण या संगमयुगी कृष्ण? संगमयुगी कृष्ण पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाला है। भक्ति मार्ग में जो त्रिदेव हैं उनमें शंकर को बाल अवस्था में दिखाया हुआ है। अब आप बताइए इसका क्या अर्थ है? अरे वो बाल अवस्था स्थूल शरीर की अवस्था का यादगार है या बाल रूप में आरंभिक पुरुषार्थ की यादगार है? कई की यादगार है? आरंभिक पुरुषार्थ की यादगार है। बाल अवस्था में कृष्ण को सोए हुए नहीं दिखाते हैं। किसको सोए हुए दिखाते हैं? है? शंकर को दिखाते। बल उस शंकर पाठधारी में चित्र में चंद्रमा भी दिखाया है। ये प्रारंभिक पुरुषार्थ की यादगार है। जो कुछ न कुछ अज्ञान की नींद में सोया हुआ है, कोई न कोई अज्ञान की ऐसी बात है जरूर जो जागृत स्टेज नहीं दिखाई गई है। मुरली में कहा है ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, तो दादा लेकर आज ब्रह्मा कब जगदम्बा है? जब शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाता है तो क्या हुआ? जगदम्बा है। और सत्यभामा का पाठ किसका है? बेहद अब बाबा पाठ बताते हैं क्या? अव्यक्तवाणी में तो कहा है
मैं बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किसका है। हाँ, इशारा देते हैं, किस शक्ति में माँ कौन भाई, तो नाम पड़ा शक्ति भामा। पटरानियों के नाम है ना, उनमें तीन मुख्य हैं, कौन कौन? रुक्मिणी, शक्तिभामा और जामवंती। जामवंती तो किए रहे जामवंती की कन्या का नाम जामवंती। चित्रों में जामवंतों को किस रूप में दिखाते हैं? भालू के रूप में दिखाते, ढेर के ढेर बाल ही बाल। कौन से धर्म में ज्यादा बाल होते हैं? सिख धर्म में ज्यादा बाल होते हैं, तो वो तो जामवंती पक्का हो गया। अब रही रुक्मिणी, क्या मणि बनते 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 रुक गई, तो नाम पड़ा रुक्मिणी। गायन तो है बहुत, लेकिन रुक्मिणी का भी पूजन नहीं है। अब है सत्यवामा, सत्य में जो मां हुई, झूठ मूठ की नहीं। मां का खास काम क्या होता है, है? पालना में क्या होता है खास? अरे पालना करती है मां बच्चों की, तो खास क्या काम करती है, है? सहन शक्ति। हाँ, सहन किस बात की? सहन शक्ति क्या खास सहन करने की बात है? बाप नहीं कर सकता, लेकिन माँ कर लेती है, तो बाप क्या नहीं कर सकता बच्चों के लिए जो माँ कर लेती है? बुराई को सहन कर लेती है, जो बच्चों की गलत बात होती है ना वो माँ। अरे बुरा क्या है, अच्छा क्या है? अरे बच्चा टट्टी पेशाब करता है, बाप सहन करेगा? गली गली उठाएगा? उसको सूखे में लेटाएगा? खुद गंदगी में लेटेगा? नहीं कर सकता। तो जो भी पटरानियां हैं उनमें एक ऐसी भी है जो गंध साफ करने के निमित्त बनी हुई है, वो नदी के रूप में भी गाई जाती है, जैसे रुक्मिणी यमुना के रूप में गाई हुई है, जगदम्बा सरस्वती के रूप में गाई हुई है, ऐसे ही सत्यभामा है गंगा के रूप में गाई हुई है। सफाई करती है कि नहीं है? जब बच्चों की सफाई करती है, पवित्र बनाती है, स्नान करा के, ज्ञान स्नान की बात है ना, तो देह अभिमान की मिट्टी बच्चों को चिपकाए देती है, या देह अभिमान की मिट्टी ऐसी लगती है उस मां की जो थोड़ा पानी डालने से ही छूट जाती है।
गंगा की मिट्टी में और यमुना की मिट्टी में क्या फर्क है? यमुना की मिट्टी चिपक के रह जाती है, देह अभिमान की मिट्टी, और गंगा की मिट्टी ऐसी है थोड़ा सा पानी डालो साफ हो जाता। इसका मतलब है कि जितने भी इस्लामी और क्रिश्चियन आदि है वो कौन सी पटरानी से ज्यादा प्रभावित है? हैं? बोलो। रुक्मणी से ज्यादा प्रभावित, यमुना से ज्यादा प्रभावित। ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर के विधर्मियों की बात उतनी समझ में नहीं आएगी। ब्राह्मणों की दुनिया के जो बीज रूप हैं, आधार मूर्त हैं, वो यमुना से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि जन्म जन्मांतर वो प्रभाव से छूट ही नहीं पाते।